हेलो, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में। हम लोगों का आज मैथमेटिक्स सीरीज का सेट 7 है। इससे पहले वाला जो सब लेक्चर्स है उसको अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इस क्लास में आइए, तब आपको बहुत चीजें इजी लगने लगेगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चंस है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एट राइट टाइम। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गुड so that a profit of 20% is obtained after allowing a discount of 10% on the mark price। बोल रहा है किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि प्रॉफिट भी 20% आ जाए डिस्काउंट 10% देने के बाद। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना परसेंट मार्क टाप करना पड़े। उसके लिए तीन डेटा हम लोगों को पता होना चाहिए। एक है मार्क प्राइस का डेटा, एक से अब कॉस्ट प्राइस का डेटा और एक है आपका सेलिंग प्राइस का डेटा। अभी देखिए पहला जो इंस्टेंस है उसमें बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। ये आपको पता है 20% इक्वल्स टू 1/5 होता है। अगर किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 प्लस ये जो ऊपर में है 1, दैट इज 6, तभी आपका सेलिंग प्राइस में 20% का प्रॉफिट आएगा, राइट। ये है फर्स्ट इंस्टेंस। अभी देखते हैं दूसरा इंस्टेंस क्या है। दूसरा इंस्टेंस है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, राइट। 10% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 1/10। अगर 10 आपका मार्कअप प्राइस है तो बेच रहे हैं 9 पे। डिस्काउंट हमेशा मार्कअप प्राइस पे दिया जाता है। 10 अगर मार्कअप प्राइस है तो बेच रहा है 9 पे, तभी आपका 10% डिस्काउंट का क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अभी देखिए दोनों में एसपी इक्वल नहीं है तो दोनों का एसपी को इक्वल कर दीजिए। कैसे करेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फर्स्ट इंस्टेंस में इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी 6 3 18 और यहाँ पे भी 9 2 18, तो 2 आपका एसपी इक्वल हो गया। एज यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए अभी हम लोगों के पास एमपी इक्वल्स टू क्या आया, 10 × 2 दैट इज 20। और सीपी इक्वल्स टू क्या आया, 5 × 3 दैट इज 15। सीपी से कितना बढ़ाया है हम लोगों ने, 5 बढ़ाया है। मार्कअप किए हम लोग 5 रुपीज का 15 के ऊपर, तो परसेंटेज ऑफ मार्कअप कितना होगा, जितना बढ़ा है 5 इसके ऊपर बढ़ा है 15 के ऊपर, काट दीजिए 1/3 आएगा। अभी 1/3 इक्वल्स टू कितना होता है, 33.13%। एक ऐसे होता है 1/3 = 33%, इसको समझने के यहाँ पे तो हम लोग बहुत स्पीड से बोल दे रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको पहला लेक्चर्स देखना पड़ेगा। पहला वाला लेक्चर्स देखिए आपको समझ में आ जाएगा, और जिसने जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता ही है कैसे आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h टेक्स 24 सेकेंड पास अ टनल। कोई भी एक ट्रेन है वो एक टनल को पास कर रहा है और 60 km/h इसका वेग है, 24 सेकेंड में वो पास कर रहा है। अभी मान लेते हैं कि L1 आपका ट्रेन का लेंथ है एंड L2 आपका इसका लेंथ,
टनल का। अभी क्वेश्चन में और क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो इट टेक्स 15 सेकेंड टू पास ए मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। अभी बोल रहे एक आदमी है जो 6 किलोमीटर पर आवर में चल रहे है उसी डिरेक्शन में जिस डिरेक्शन में ट्रेन चल रहा है, और उस आदमी को पास करने में ट्रेन का 15 सेकेंड लग रहा है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द टनल। सो यहाँ पे समझने की बात क्या है, जब वो ट्रेन आदमी को पास कर रहा है सो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ट्रेन का स्पीड 60 है और मैन का स्पीड 6 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 60 - 6 दैट इज 54 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर। अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गए। ये कैसे हुआ, यू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, ये समझने के लिए आपको पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। सो ये काट देंगे तो कितना आएगा, 18 × 54 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा आपका गियर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड दैट मैन। सो 15 सेकेंड में पास कर रहे तो कितना होगा, अभी देखिए। सो L1 अगर ट्रेन का लेंथ है तो जब वो उस आदमी को पास कर रहे वो सिर्फ ट्रेन अपना ही लेंथ को पास कर रहा है, तो L1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये गियर, और जितना सेकेंड में पास कर रहे दैट इज 15 सेकेंड। सो गियर इक्वल्स टू 15 है, 15 × 15 तो ये कितना आ जाएगा, 225 मीटर। ये आपका ट्रेन का लेंथ आ गया, जो कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा पता नहीं। अभी दूसरा क्या है उसको देखना पड़ेगा। अभी और एक इंस्टेंस बोल रहा है कि जब वो टनल को पास करता है, कोई भी टनल को अगर कोई ट्रेन पास करता है सो वो अपना लेंथ एज वेल एज टनल का लेंथ भी पास करता है। सो इसको पास करने में जितना टाइम लगेगा यही आपका स्पीड होगा, जो कि 60 किमी पर आवर दिया हुआ है। सो L1 + L2 = क्या होगा, 60, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी ऊपर जाएगा और टी इक्वल्स टू 24 है। तो अभी काट दीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 4 × 20 = 500, 100 × 4 दैट इज 400 मीटर। अभी देखिए L1 + L2 = 400 आया, तो L2 = क्या आएगा, 400 - L1, L1 का वैल्यू कितना है, 225, कितना आ जाएगा, 175, ये आ जाएगा आपका मीटर। सो टनल का लेंथ कितना आया, 175, और ट्रेन का लेंथ 225, तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। सो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ये बहुत ही क्रिस्प एक प्रोसेस था इसका सॉल्व करने का, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीन भाषा एंड चार्ल्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1940 and 12 days रेस्पेक्टिव। सो अमीन है आपका, वो 90 days में कोई एक काम करता है, ये आपका टाइम एफिशिएंसी हमें बाद में बताएंगे। ये आपका कोई भी काम 40 दिन में करता है, और चार्ज है आपका 12 days में करता है। अभी देखिए, बट दे डिसाइड टू वर्क एट ए टाइम ईच डे, मतलब एक दिन अमीन करेगा, उसके बाद बासा करेगा, उसके बाद चार्ज करेगा, 3 दिन में तीनों काम करेगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। और एट द एंड 240 rupees उन लोगों को मिला सैलरी के रूप में। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन गेट, सो तीनों कितना कितना रुपया मिला उस 240 से ये निकालना पड़ेगा। अभी उसके लिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, तीनों टाइम का एलसीएम कर देंगे, एलसीएम ऑफ 90
40 एंड 12, सो ये आ जाएगा आपका 360। ये कैसे आता है आपको बहुत बार मैं सिखा चुका हूँ, इसको सीखने के लिए आप लास्ट लेक्चर्स देखिए। सो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, टोटल वर्क से 90 को डिवाइड कीजिए, 4 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 360 बाय 40 करेंगे तो 360 बाय 12 करेंगे 20 आ जाएगा। अभी देखिए 3 दिन में वो कितना काम करेगा, तीनों मिलके 4 प्लस 9 प्लस 30, दैट इज 43। अभी ये तीन तीन दिन ऐसे ऐसे करता जाएगा, 3 दिन करके 43 यूनिट, 43 यूनिट करते करते उसको 360 करना। अभी देखिए दोनों तरफ अगर 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 43 × 8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 344 यूनिट। आपका 24 दिनों में हो जा रहा है 3 × 8, 8 दिन ए किया, 8 दिन बी किया, 8 दिन सी किया, 344। अभी कितना मुझे बचा है रिमेनिंग जॉब, 360 माइनस 344, सो 16 यूनिट अभी भी बचा है। ये भी तीनों में बटेगा, कैसे बटेगा वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो अभी तक क्या हुआ, अभी तक आप आमीन ने किया है काम 8 दिन, हर दिन वो करता है 4 यूनिट से, बी कितना करेगा 8 दिन में, हर दिन वो 9 यूनिट करता है, और सी 8 दिन में, हर दिन वो 30 यूनिट करता है। अभी 16 यूनिट बचा हुआ है, तो 16 यूनिट में से पहले तो ए करेगा पहला दिन 4 यूनिट, उसके बाद बी करेगा 9 यूनिट, 4 ना 13 यूनिट, और 3 यूनिट लास्ट में आपका सी के लिए बच जाएगा। तो ये और भी 4 यूनिट करता है, ये और 9 यूनिट करता है, ये और 3 यूनिट करता है। तो इतना इतना इन लोगों ने काम किया, 38 और 36 और 72 प्लस 9 दैट इज 81, 8 24 2 240 प्लस 3 243। सो ये है तीनों का काम। तो इन तीनों का 240 से कितना रुपीस मिलेगा, ये तीनों का काम का रेशियो में मिलेगा। तो इन तीनों का काम का रेशियो क्या होगा, एस टू बी टू सी इक्वल्स टू 36, 81 एंड 243। अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27, ये आज आपका आ जाएगा 81। अभी इन तीनों का टोटल कीजिए कितना आएगा, 12 प्लस 27 प्लस 81, सो 120 आ जाएगा। लेकिन कितना रुपीज है, 240 रुपीज उन लोगों को नहीं मिलता है। सो 240 करने के लिए इनको डबल करना पड़ेगा टोटल में। सो ये कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 54, और ये आ जाएगा 160। दो से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 240 का इक्वल हो जा रहा है। देखिए 162 प्लस 24, देख रहे हैं हम लोग ए को कितना मिला 24, बी को 54 और सी को 160। अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। सो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर भी हो जाए। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हुज बर्थडे फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर। ओके, अज्यूमिंग द नंबर ऑफ बर्थ ईच डे इज सेम। ओके, कोई भी एक लीप ईयर है तो उसमें एक दिन आता है फेब्रुअरी के लास्ट में, लेकिन 4 साल में वो एक ही दिन आता है। अभी सैंपल स्पेस क्या होगा, 4 साल में कितना दिन होता है टोटल, सो 4 × 365 जो यूजुअल ईयर में होता है प्लस लीप ईयर का 1, ये 1 हर कोई भूल जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 आ जाएगा प्लस 1, सो टोटल 461 डेज आ रहा है। यही आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, एक दिन आएगा 4 साल में, तो 1/1461। ये परसेंटेज में चाह रहा है तो 100% कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.684%, जो कि ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि 1 ऐड करना है आपका सैंपल इसमें से, वो हमेशा छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 70% मोर एफिशिएंट देन बी, द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन 9 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अभी ए बी से 70% एफिशिएंट है, 70% मतलब क्या होता है, 7/10। सो बी अगर 7 है तो ए कितना होगा, बी से 10 ज्यादा होगा, सो ए को मिलेगा आपका 10 तो मिलेगा ही, उसके बाद 7, 17। सो ए का एफिशिएंसी आपका है 17, बी का है आपका 10। अभी बोल रहा है ए 9 डेज में पूरा काम कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, एक बार जितना एफिशिएंसी है दैट इज 70 × 9, इतना यूनिट है टोटल वर्क निकालने बोला है। अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड डेज कितना होगा टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दीजिए, टोटल वर्क कितना है 17 × 9, टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, इसका 10 है इसका 17 है, 27, 9 से काटिए 3 × 17/3, सो कितना देगा 5 2/3 days, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। होप आपको समझ में आया, इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 320 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम इन एन एबीसी स्कूल, ऑफ देम 230 स्टूडेंट पास्ड, 11.11% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स फेल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो बोल रहा है कोई भी एक स्कूल है एबीसी जिसमें 320 स्टूडेंट अप्लाई किया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 230 स्टूडेंट पास कर दिया, सो रिमेनिंग कितना होगा 90 स्टूडेंट्स, इस रिमेनिंग स्टूडेंट्स में 11.11% इसका 90 का 11.11% आपका फेल हो गया, सो फेल कितना होगा, फेल स्टूडेंट्स 90 का 11.11, अभी 11.11 मतलब कितना होता है 1/9, सो ये कितना होगा 10 स्टूडेंट आपका फेल हो गया। नॉट अपीयर्ड स्टूडेंट कितना होगा, रिमेनिंग से 10 को आप सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिमेनिंग 90 है 10 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 स्टूडेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 pipes PQR can fill an empty tank with 38, 44 and 28 minutes respectively. Okay, 3 pipes है, P, Q and R. P कोई भी खाली टैंक को 38 मिनट में भरता है, Q 44 मिनट एंड R 28 मिनट में भरता है। Initially the tank is empty. पहले टैंक खाली था। Pipe P was opened at 9:41 a.m. P को खोला गया आपका 9:41 a.m. ठीक है, आफ्टर 8 मिनट्स मतलब 9:49 हो जाएगा 8 मिनट्स बाद Q को खोला जा रहा है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर ओपनिंग पाइप क्यू, क्यू के खोलने के कितने मिनट बाद, क्यू के खोलने में
खोलने के कितने मिनट बाद पार्ट को खोला जाए सो दैट द टैंक इज फुल इन 10 AM? कितना मिनट बाद खोलेंगे तो 10 AM में आपका पूरा टैंक भर जाएगा। अभी देखिए पी तो 10 AM तक ही चलेगा, मतलब 9:41 से 10 AM तक, मतलब पी कितना मिनट चलेगा, 19 मिनट चलेगा, पी चलेगा आपका 19 मिनट। अभी क्यू कितना मिनट चलेगा, 19 से 8 जाएगा तो 11 मिनट चलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे पी 19 मिनट में कितना भरता है, क्यू 11 मिनट में कितना भरता है। अभी रिमेनिंग जितना रहेगा वही आर भरेगा, तो पहले देखते हैं कितना कितना पार्ट वो लोग भरता है। अभी देखिए पी आपका भरेगा आपका 19 मिनट में कितना परसेंट, 38 मिनट में पूरा भरता है तो 19 मिनट में हाफ पार्ट भरेगा पी। अभी क्यू देखिए, क्यू आपका 44 मिनट में पूरा भरता है तो 11 मिनट में कितना भरेगा, 11/44 दैट इज 1/4 पार्ट ओवर देगा। अभी रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, कितना पार्ट बचा होगा, 1 से दोनों का एडिशन तो निकाल दीजिए आप, 1-3/4 दैट इज 1/4 पार्ट अभी रिमेनिंग रहेगा। और यही पार्ट कौन कर रहा है, आर कर रहा है, सो आर कितना करेगा, कितना मिनट में करेगा, पूरा 28 में भरता है तो 1/4 भरने में 28 × 1/4 दैट इज 7 मिनट लगेगा। तो 7 मिनट तक काम किया है आर, तो मतलब इसको खोला कब गया था, 9:53 AM में खोला गया है, तभी ये 7 मिनट होगा, 7 मिनट बाद 10 बज जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि क्यू के कितना मिनट बाद आपको आर को खोला जाएगा। सो क्यू को खोला जा रहा है आपको 9:49 में, और आर को खोला जा रहा है आपको हम लोग देखे कि 9:53 में, तो कितना मिनट बाद हो रहा है, 4 मिनट बाद हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट बोल रहे आमला एंड भीमला प्ले ए गेम इन विच दे आर सेड टू चूज अ लेटर फ्रॉम ए टू ई। दो है आमला एंड भीमला, उन दोनों को ए से ई तक टोटल 5 लेटर होता है, राइट, ए बी सी डी एंड ई, टोटल 5 लेटर होता है। दोनों चूज कर रहे हैं, if both letters are same they will win a prize, तो probability कितना है, अभी तो sample space देख के दोनों choose कर रहे थे, 5×5 हो जाएगा, तो sample space क्या होगा, फाइव इंटू फाइव दैट इज 25, और the probability of winning कितना जाएगा, 1/25, तो 25 में एक ही बार होगा जब दोनों सेम होगा, सो 1/25 विनिंग का हो गया, तो नॉट विनिंग का क्या होगा, प्रॉब्लम (1-1/25), सो ये कितना आ जाएगा, 24/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, और ये करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूब ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम 343 क्यूबिक मीटर। कोई भी क्यूब है, मान लीजिए क्यूब का साइड है ए, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 343 मीटर क्यूब है, सो ए इक्वल्स टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 343 दैट इज 7 मीटर आ गया क्यूब का साइड। अभी बोल रहा है ये आपका क्यूब इंस्क्राइब है इन ए स्फीयर, कोई भी एक स्फीयर है इसके अंदर है एक क्यूब,
अभी देखिए क्यूब का जो डायगोनल है वो इक्वल हो जाता है आपका, क्यूब का डायगोनल कितना होगा, क्यूब का डायगोनल होगा √3a, ये आपका इक्वल हो जाता है डायमीटर ऑफ द स्क्वायर के साथ। अभी यहाँ से आर इक्वल्स को निकाल लीजिए, 3/2a, सो √3/2 इंटू ए का वैल्यू 7 है, सो 7√3/2 मीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। अभी वॉल्यूम निकालना बहुत इजी हो गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है, 4/3 πr³, सो 4/3 π इंटू r³, r³ का वैल्यू कितना होगा 7³, √3 का क्यूब मतलब 3√3/2 का क्यूब मतलब 8। अभी काट दीजिए 2 आ जाएगा, ये 3 से 3 काट दीजिए आप, कितना बचेगा 7 का क्यूब 343/2 √3 × π, और ये आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये आपका आंसर भी होगा। सो आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा यहाँ पे, लेकिन आप अगर डायग्राम से पढ़ेंगे तो इजीली पता चल रहा है कि इसका जो डायमीटर है आपका स्फीयर का वो इक्वल होता है डायगोनल ऑफ द क्यूब के साथ, सो उससे बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, होप आपको समझ में आया होगा सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट पर लिख के बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अब टेलीग्राम में भी हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।